हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम इलेवेंथ केमिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। अगर आपका कमांड इस चैप्टर पे एक अच्छा खासा बनता है, ठीक ठाक आप समझदारी बनाते हो, तो आप केमिस्ट्री के किसी भी ब्रांच को इजिली पढ़ सकते हो, चाहे वो एनालिटिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। क्योंकि जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे, वैलेंसी की बात करोगे, बॉन्डिंग की बात करोगे, कुछ भी आप बात करते हो तो उसका सब कॉन्सेप्ट यहीं से है। पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट कहां पर क्यों है वह भी यही चैप्टर आंसर करता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं यह चैप्टर मदर एंड फादर है किसका, केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां एक वर्ड आया है स्टूडेंट, एटम। उसी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, एटम क्या होता है। तो देखिए, एटम स्मॉल पार्ट ऑफ द सब्सटेंस है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच इज इनडिविजिबल, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उसे हम एटम कहते हैं। किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम डिवाइड ना कर सके उसी को हम एटम कहते हैं। किसने कहा इस बात को? इस बात को 1803 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने कहा था। किसने कहा? ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन। लेकिन आपके बुक में जो डेट दिया होगा वो 1808 का दिया होगा, 1808 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने यह थियरी दिया, ऐसा आपको लिखा होगा। क्योंकि 1803 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने जब थियरी दिया तो उनको उनकी थियरी को 5 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर लोगों के सामने लाया गया कि डेल्टन ने ऐसा कहा था। लेकिन डेल्टन ने यह थियरी एटम के बारे में जब दिया, उससे पहले एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर दोनों थे और वो इंडियन थे। तो इंडियन साइंटिस्ट, एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट और फिलोसोफर जिसका नाम महर्षि कर्णार्क था, उन्होंने एटम को डिफाइन किया था, उन्होंने एटम को परमाणु कहा था। परमाणु कहा था, परमाणु पदार्थ की सबसे अविभाज्य इकाई है। संस्कृत में लिखा था उन्होंने, मैं हिंदी ट्रांसलेट उसका बोल रहा हूं, कि पदार्थ का सबसे अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य मतलब जिसको ब्रेकडाउन नहीं किया जा सके। वही बात किसने कहा? डेल्टन ने भी कहा कि एटम किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन महर्षि कर्णार्क ने डिटेल में नहीं बताया था, ब्रॉड लेवल पर एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन था। डेल्टन ने कहा एटम जो है थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पिन कह सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल है स्टूडेंट। कौन से पार्टिकल है? फंडामेंटल। मॉडर्न फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल भी आते हैं, पॉजिट्रॉन, मेसॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो जैसे सब्सटेंसेस भी, पार्टिकल भी लिए जाते हैं स्टूडेंट। तो अभी हम मॉडर्न फिजिक्स की नहीं बात कर रहे हैं, क्लासिकल थियरी की सब बात कर रहे हैं जो पुरानी थियरीज हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। इसकी डिस्कवरी को लेकर भी बात की गई है, लास्ट में इस चैप्टर के अंतिम में हम वही बात करेंगे। एक टर्म समझ लेते हैं, ईट पर नाच। ईट पर नाच इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर किया है, कैसे किया है हम पढ़ेंगे। प्रोटॉन को रुदरफोर्ड, रा है पा, प्रोटॉन रा रुदरफोर्ड। न्यूट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम चैडविक था। क्या नाम था स्टूडेंट? चैडविक था स्टूडेंट। स्टूडेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एटम के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में, आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एटम है। कहोगे सर वो तो एलिमेंट भी है। जी हाँ, वो एलिमेंट भी है। तो समझते हैं क्या होते हैं एलिमेंट और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जब ग्रुप ऑफ एटम की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ग्रुप ऑफ एटम। ऐसे देखो, एक एटम, दो एटम, ऐसा लाखों करोड़ों अरबों एटम, बिलियन ट्रिलियन एटम आपस में जुड़ते हैं। वो भी सेम एटम, सिमिलर एटम कहा जाता है। सिमिलर एटम आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जो बनता है उसी को हम कहते हैं एलिमेंट।
एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एटम है। याद रखो, अगर हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन का एलिमेंट बनता है। तो जो एलिमेंट का सिंबल है और एटम का सिंबल है, दोनों सेम ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के ही जुड़े ना। एक चौक को ले लो और रगड़ो, जो बारीक बारीक पार्टिकल गिर रहे हैं वो एवरी पार्टिकल इज अ कैल्सियम एटम, और चौक क्या है? कैल्सियम का एलिमेंट है। तो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एटम के और एलिमेंट के। 11th ग्रेड में आपको 30 एलिमेंट तो याद ही होने चाहिए, तो चलिए याद कर लेते हैं। हाय, हेलो, लिसन, बी बी सी, न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट। रियल नेम सुन लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। कुछ लोग नौटी मुगली ऑलवेज सिंगिंग पॉप सॉन्ग क्लेम बाय यार रहमान, ऐसा करके भी याद करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 20 एलिमेंट हो गए, इनके भी नाम जान लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्सियम, ये आपके एलिमेंट हो गए। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मन से फेरो कोका कोला, नीचे कुल्ली जिंदा गाड़ो। ये मैंने 31 एलिमेंट आपके सामने रख दिए। 31 के 31 एलिमेंट भी है, एटम भी है। स्कैंडियम, टेनेटियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक और लास्ट वाला है गैलियम। ये किसके एग्जाम्पल है? एटम के भी और एलिमेंट के भी, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे, हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे, तो ये हाइड्रोजन के एटम्स है, ईच एंड एवरी वन, ये एटम्स है एटम, और ये पूरा जो जुड़ के बना, ये पूरा, ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट। किसी की भी बात कर सकते हैं। आगे सुनते हैं, ये जो एटम होते हैं स्टूडेंट, एटम ये आपस में कंबाइन होते हैं। पीरियोडिक टेबल को आप देखिए, ग्रुप वन दिख रहा है, अल्कली मेटल्स इनको कहते हैं। अल्कली मेटल्स में आपको दिखेगा हाय, लीना, की, रूबी, से, फ्रांसिस। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, क्योंकि मेटल आपने 10th ग्रेड में पढ़ा है, मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दो ही ऐसे मेटल हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से? मर्क्यूरी और गैलियम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, बाकी जितने एटम्स हैं, मेटल्स हैं, वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। हाइड्रोजन मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को जब आपने पढ़ा होगा, उसका ड्रॉबैक था, हाइड्रोजन दो कैरेक्टर रिजेंबल करता है, अल्कली मेटल की तरह और हैलोजन की तरह। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किसकी तरह रिजेंबल करता है? हैलोजन की तरह। लूज करता है तो अल्कली मेटल की तरह रिजेंबल करता है। मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और वैलेंसी की बात करूंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सब मेटल है। ऐसे ग्रुप टू में देखोगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये ग्रुप टू है। इन दोनों को मिलाकर एक ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहला अल्कली मेटल है, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी दो के दोनों मेटल है, पूरा एस ब्लॉक। अब 3 to 12 है स्टूडेंट, 3 to 12 उनको डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। 3 to 12 वो भी मेटल्स हैं, उनका नाम ट्रांजिशन मेटल होता है। नीचे दिया होगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, वो भी मेटल है, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्या दिख रहे हैं आपको? मेटल दिख रहे हैं। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब बचा पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक होता है स्टूडेंट, पी ब्लॉक में मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी है।
कौन कौन से हैं? मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स। मैं क्यों बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। तो आप पी ब्लॉक में देखोगे तो बहुत सारे मेटल हैं, मेटलॉइड भी है, नॉन मेटल भी है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। तो जो नॉन मेटल होते हैं वह फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, लेकिन जो मेटल होते हैं वो फ्री स्टेट में रिएक्शन में रह सकते हैं। तो जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं वो फ्री स्टेट में रहने के लिए वो एटॉमिक फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ते हैं तो जो बनता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टूडेंट, मॉलिक्यूल कौन बनाएंगे? नॉन मेटल। याद रखिएगा, मोस्टली मॉलिक्यूल नॉन मेटल बनाते हैं क्योंकि वह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ के केमिकली कंबाइन हो रहा है। देखो एच और एच तो क्या बन जाएगा? एच टू। ऐसे ओ और ओ क्या बन जाएगा? ओ टू। एन प्लस एन, एन टू। ओ प्लस ओ प्लस ओ, ओ थ्री। ये सब किसके एग्जाम्पल है? मॉलिक्यूल के। ये सब मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूल को लेकर और समझदारी बनाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं 2H और H2 के बिटवीन क्या डिफरेंस है, या 2O और O2 के बिटवीन क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट, अगर मैं H प्लस H की बात करूं, H प्लस H है, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो H2 बन रहा है, और H प्लस H अगर मैथमेटिकली कंबाइन हो रहा है तो 2H होगा। ये देखो, ये केमिकली एरो रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को, तो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है? H2, और मैथमेटिकली कंबाइन हो रहे हैं तो 2H। मैथ में हमने पढ़ा है ना, X प्लस एक्स इज इक्वल टू 2X। तो 2H इज अ 2 हाइड्रोजन एटम। 2H क्या है स्टूडेंट? यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है, और H2 क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। H2 क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो एटम है, एटम फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। किस में नहीं एग्जिस्ट कर सकता? फ्री स्टेट में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसको क्या बनना है? मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा फ्री स्टेट में रहने के लिए। ऐसा डेल्टन ने कहा था। कभी भी रिएक्शन में आप ऐसे जैसे रिएक्शन लिखते हो NaCl नहीं लिख सकते, जब भी लिखना होगा Cl2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो कुछ और बातें डेल्टन ने कही थी वो समझते हैं। डेल्टन ने कहा था एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। वह केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। तो यह केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। तो सबसे पहले यह मॉलिक्यूल है, जब रिएक्शन करना होगा तो इनके बिटवीन कोई बॉन्ड बने हुए हैं, आगे हम पढ़ेंगे। यह बॉन्ड ब्रेक होता है और यह किसमें कन्वर्ट होता है? एटम में कन्वर्ट होता है। उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉन्ड फ्यूजन। आगे हम पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है वो एटम बनता है, फिर रिएक्ट करता है। स्टूडेंट, समझ में आया? थोड़ी सी और समझदारी हम मॉलिक्यूल को लेकर बनाते हैं। स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं, उसके बाहर सेल होते हैं, इन सेल्स को के एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ये सेल्स हैं, इस सेल्स के अंदर क्या रहते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, दो मोशन करते हैं, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? यानी इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? सेल के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस के अंदर। इसको समझने के लिए हमें दो टर्म और समझना होगा। एक टर्म समझना होगा एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर। दूसरा टर्म समझना होगा एटॉमिक मास नंबर, तब आपको मॉलिक्यूल को लेकर एक थोड़ी बहुत अच्छी समझ होगी। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पढ़ा कि एटम थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, उनका नाम क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये नाम है उनके। तो एटॉमिक नंबर एक नंबर है, सिंपल टाइप ऑफ नंबर है, जो उस एटम में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, याद रखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बताता है। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी 17 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है जेड इजिकल टू पी इजिकल टू ई। एक एलिमेंट हम एक्स ले लेते हैं, एक्स एलिमेंट है, उसके डाउन साइड हम क्या रखेंगे एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर क्या रखेंगे हम एटॉमिक मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का 17 है, जेड 17 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे 17 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17 होंगे। एक और नंबर है एटॉमिक मास नंबर, अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे, मॉलिक्यूल को समझने के लिए एटॉमिक नंबर से ही काम चल जाएगा हमारा। सुनिए स्टूडेंट, ये प्रोटॉन कहां रहेगा न्यूक्लियस में, और ये इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा बाहर शेल में। ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को भी महर्षि कणाद ने डिफाइन किया था, मॉलिक्यूल को उन्होंने अणु कहा था। क्या कहा था, अणु, ए एन यू ऐसा लिखा रहता है, अणु, ठीक है। देखो यहां कितने एटम कंबाइन हुए हैं, दो एटम कंबाइन हुए हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल को एक नाम दिया जाता है, इसका नाम है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। कितने एटम्स कंबाइन हुए, दो, दो को केमिस्ट्री में डाई कहते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। यह भी O2 क्या है, एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। N2 क्या है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये O3 यानी ओजोन, कितने एटम कंबाइन हुए, थ्री, तो यह ट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कौन सा एटॉमिक है, ट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, एक H लिया और एक Cl लिया, वैसे ये रॉन्ग है क्योंकि रिएक्शन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन समझने के लिए लेते हैं एक एग्जांपल। एक H लिया और Cl लिया, क्या बना, HCl बना। बताओ कितने एटम कंबाइन हुए, H एक, Cl एक, दो एटम कंबाइन हुए, तो यह भी एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। ऐसे मैं एक और एग्जांपल फ्रेम करता हूं, H प्लस H प्लस O, कितने एटम कंबाइन हुए स्टूडेंट, थ्री, बना हमारा H2O, यह भी एक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम के बेस पर बात करें तो यह डायएटॉमिक है, यह ट्राइएटॉमिक है, यह डायएटॉमिक है, यह भी ट्राइएटॉमिक है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस के बेस पर क्लासिफाई करें, किसके बेस पर क्लासिफाई करें, न्यूक्लियस के बेस पर, यहां देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन, तो प्रोटॉन कितने होंगे वन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वन। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी प्रोटॉन वन होगा, इलेक्ट्रॉन वन होगा, तो प्रोटॉन वन है ना, न्यूट्रॉन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर मैंने पढ़ाया नहीं। चलिए प्रोटॉन के बेस पर ही बात करके हम समझ लेते हैं, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन दोनों में सेम है या नहीं है, यस सेम है दोनों हाइड्रोजन के। तो H2 एक मॉलिक्यूल है, जब न्यूक्लियस सेम हो तो उसको हम कहते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जैसे मैं HCl के केस में बात करूं, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी 1 प्रोटॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस में, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, यानी दोनों का न्यूक्लियस डिफरेंट है। जो मॉलिक्यूल बनने के लिए एटम यूज हुए हैं, दोनों का न्यूक्लियस क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, हेट्रो, एच ई टी आर ओ, हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो O2 और HCl में क्या डिफरेंस है, O2 एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, और HCl
एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन कौन सा? हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे में बात करूं ओजोन की, ओजोन में तीनों ऑक्सीजन है, तीनों का न्यूक्लियस सेम होगा, तो यह है होमोन्यूक्लियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है, और H2O हेट्रोन्यूक्लियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल को लेकर आपकी एक समझदारी बन गई होगी कि नंबर ऑफ एटम के बेस पर बात करें तो कितने एटम कंबाइन हुए, वैसा डाई ट्राई एंड टेट्रा जैसे चीजों को यूज करते हैं, और न्यूक्लियस के बेसिस पर देखा जाए तो होमो और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, क्या मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक हो सकते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल पॉसिबल है क्या? एक ही एटम मॉलिक्यूल हो? जी हां, पॉसिबल है स्टूडेंट, और होते भी हैं। मैंने कहा ये मॉलिक्यूल क्यों बन रहे हैं? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए, फ्री रहने के लिए ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो एटम कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। क्यों? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए। अब फ्री स्टेट में पहले से कौन एग्जिस्ट करता है, एटम के फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है? ग्रुप 18 के एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो एटॉमिक स्टेट में ही, एटॉमिक स्टेट में ही कैसा बिहेव करते हैं? ऐसा मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। ये लोग जो मॉलिक्यूल बनकर बिहेव करेंगे वो एटम के फॉर्म में होते हुए ही बिहेव करते हैं। ये मॉलिक्यूल क्यों बन रहे हैं? इनर्ट बनने के लिए, वो पहले से इनर्ट है। तो देयर एटम इज बिहेविंग लाइक अ मॉलिक्यूल, दे आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इनर्ट गैसेस को क्या कहा जाता है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे हीलियम एटम भी है, हीलियम मॉलिक्यूल भी है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं स्टूडेंट। होप आपको इतना समझ में आया होगा कि होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर, डायटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ट्राइटॉमिक क्या होता है। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं, एटम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉल पार्ट है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो एलिमेंट का ही पार्ट है। ये जो एलिमेंट है इसका छोटा सा एक पार्ट जो होगा वो एटम कहलाएगा। एटम को ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1808 में, आपके बुक में लिखा है। जबकि डिस्कवर कब किया था? 1803 में। उससे पहले एक इंडियन साइंटिस्ट और फिलोसोफर, क्या नाम था उनका? महर्षि कर्णाद। उन्होंने एटम को क्या कहा था? परमाणु कहा था। एटम फ्री स्टेट में रह सकता है या नहीं? नहीं रह सकता है। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए क्या करता है? कंबाइन हो जाता है। और याद रखो, मैंने कहा नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं, मेटल्स भी मतलब कुछ केसेस में कंबाइन होते हैं, वैसे कंबाइन नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर लेते हैं। तो जब वो कंबाइन होते हैं, टू आर मोर एटम केमिकली कंबाइन होते हैं, तो उनके केमिकली कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको महर्षि कर्णाद ने अणु नाम दिया था। डायटॉमिक ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लीजिए स्टूडेंट, जो एलिमेंट है और एटम है उनके सिंबल को लेकर भी बातें कही गई हैं। पहले एलिमेंट के सिंबल कुछ इस तरह से दिए जाते थे, ऐसे बनाए जाते थे, ये एलिमेंट के सिंबल होते थे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता था आइडेंटिफाई करना एलिमेंट को। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम बर्जिलियस था। बर्जिलियस ने कहा जो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर है वही सिंबल होगा, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब बताइए किससे स्टार्ट हो रहा है ये? H से, तो सिंबल हो गया H। फिर आया हीलियम, कहा अगर दो एलिमेंट सेम लेटर से बिगिनिंग करते हैं तो दूसरे वाले का सेकेंड लेटर भी लेना है, वो भी लोअर केस में। अगर तीन एलिमेंट ऐसे करते हैं सेम लेटर से बिगिनिंग करते हैं तो उनका थर्ड लेटर भी लेना है लोअर केस में, तो इसीलिए इसका सिंबल क्या हो गया? H। बट एक बात ध्यान में रखिए, जब बर्जिलियस ने सिंबल दिया था तो उन्होंने सिंबल लैटिन लैंग्वेज में दिया था, और आज जो हम एलिमेंट का नाम जानते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो लैटिन और इंग्लिश में बहुत सारे जगह पर डिफरेंसेस है,
और बहुत सारे एलिमेंट के लैटिन और इंग्लिश नेम सेम है, जैसे हाइड्रोजन का लैटिन नेम एंड इंग्लिश नेम क्या है, सेम है। लेकिन ऐसे भी एलिमेंट है जिनके लैटिन और इंग्लिश नेम डिफरेंट होते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम किस लेटर से आता है? एस। अगर मैं एस लिख दूं तो सल्फर का सिंबल हो जाएगा। सोडियम का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट? Na। क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम से सिंबल दिया गया था, उसका नाम नाइटेरियम था। पोटेशियम का नाम सुने होंगे, के, केलियम। ऐसे दो एलिमेंट का मैं नाम बताता हूं जो आपके घरों में होता है। एक एलिमेंट है गोल्ड, किससे आया? जी से, लेकिन इसका सिंबल क्या है? Au। दूसरा क्या है? सिल्वर, इसका सिंबल है Ag। एक बेसिक समझ बता रहा हूं कि अगर डिफरेंट नेम और सिंबल डिफरेंस दिखेंगे, दोनों में डिफरेंट दिखे, नेम और सिंबल दोनों अलग अलग दिखेंगे स्टूडेंट, तो आप घबराइएगा नहीं। गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, इसलिए इसका सिंबल Au है। सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम, इसलिए इसका सिंबल Ag है। समझ में आया बर्जिलियस ने सिंबल कैसे दिया था? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमने पढ़ा एटम के पास दो नंबर हैं, एक नंबर का नाम एटॉमिक नंबर है जिसको हम जड़ से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे नंबर का नाम एटॉमिक मास नंबर है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। मैंने कहा एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं होता है, यह एलिमेंट में प्रेजेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को बताता है कि कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल लिया था मैंने और फॉर्मूला बताया था, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। एटॉमिक नंबर टोटली इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कोई एलिमेंट लेता हूं, सपोज दैट Na ले लिया मैंने, एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन कितना होगा स्टूडेंट? 11, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। अब समझते हैं एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। स्टूडेंट, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो इनका जो सम होगा, सम मतलब टोटल, दोनों को ऐड करने पर A इज इक्वल टू पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करने पर जो मिलेगा वह एटॉमिक मास नंबर होता है। तो किसी भी एलिमेंट X के डाउन साइड एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर साइड एटॉमिक मास नंबर होगा। कुछ जगहों पर इधर भी लिखा रहता तो घबराना नहीं, ऊपर साइड ही होगा, दोनों साइड किधर भी लिखा रहे। तो A इज इक्वल टू पी प्लस एन होता है स्टूडेंट। अब मैं इसको P को इधर लाता हूं तो N इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? A माइनस पी। एन इज इक्वल टू ए माइनस पी के पोजीशन पर हम जड़ लिख सकते हैं क्योंकि पी इज इक्वल टू जड़ है और पी इज इक्वल टू ई भी है, तो ई भी डाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। अब इससे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक समझदारी बने। स्टूडेंट, अगर मैं कार्बन की बात करूं, 6, 12, अब बताइए एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 6, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। न्यूट्रॉन अगर मैं डिटरमाइन करना चाहूं तो फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। तो ए कितना है स्टूडेंट? 12, और जेड कितना है? 6। 12 माइनस 6, न्यूट्रॉन भी 6 आया। एक और कार्बन है 6, 14, ठीक है, इसमें जेड कितना है? 6, पी कितना है? 6, न्यूट्रॉन अगर मैं निकालना चाहूं, ई भी 6 है, वो भी लिख दिया ए माइनस जेड। 14, ए हमारा 14 है, जेड हमारा 6 है, तो 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8। देखो दोनों में न्यूट्रॉन की क्वांटिटी अलग अलग है। अब समझते हैं, आपको चार पॉइंट मैं समझाता हूं। पहला टर्म आता है आइसोटोप्स, नाम सुने होंगे 10th ग्रेड में आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं
ऐसे एलिमेंट का ग्रुप माना जाता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे यहां पर देख लो, कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है और एटॉमिक मास नंबर क्या है, अलग अलग है। एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होने का रीजन क्या है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी अलग अलग है। देखो दोनों में प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट हो गए, न्यूट्रॉन। डिफरेंट न्यूट्रॉन की वजह से एटॉमिक मास नंबर अलग हो जाता है। ऐसे एलिमेंट को हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे कार्बन के मैंने दो आइसोटोप लिखा, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, 8-16 और 8-18। आप यहां भी चेक कर सकते हो, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी अलग होगी, बाकी सब सेम है। प्रोटॉन कितने हैं दोनों में, इसमें भी 8, इसमें भी 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8-8। न्यूट्रॉन यहां कितने हैं, इस वाले में 8 है और इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 10 है। स्टूडेंट, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के हैं। चलिए तीनों की बात करें, तीनों में प्रोटॉन कितने हैं, 1, 1, 1। तीनों में प्रोटॉन सेम है। तीनों में इलेक्ट्रॉन की बात करें, 1, 1, 1। न्यूट्रॉन की बात करें, A-Z, यहां न्यूट्रॉन ही नहीं है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा एसिड और बेस को लेकर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे जगह है हम H+ यूज करेंगे तो उसको प्रोटॉन कहते हैं। H+ आयन को प्रोटॉन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 2-1, 1। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 3-1, 2। तो डिफरेंट न्यूट्रॉन होने की वजह से आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट होते हैं, दे आर फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सेम। तीनों एक जैसा रिएक्ट करेंगे लेकिन तीनों फिजिकली अलग होते हैं। जैसे मैं ही हूं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, ब्लेजर में हूं, और कहीं पर टी शर्ट में रहूं, हूं मैं ही, नॉलेज मेरे अंदर उतना ही रहेगा, मेरी एक्टिविटीज जो मुझे आते हैं वही आएंगे। क्रिकेट खेलना आता है तो क्रिकेट खेलना ही आएगा, चेस खेलना आता है तो चेस खेलना आएगा। ये नहीं कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं ऐसे ब्लेजर पहन के, उसके बाद जैसे मैं टी शर्ट चेंज करूंगा तो उसके बाद मुझे फुटबॉल खेलना आ जाएगा, नो। तो आइसोटोप सेम एलिमेंट होते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होता है, बाकी वो सेम होते हैं। स्टूडेंट, दूसरा टर्म आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट के ग्रुप होते हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं इनका, आइसोबार्स का, ऑर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। देख के बताइए, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, और एटॉमिक मास नंबर क्या है, स्टूडेंट, सेम है। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसोबार फिजिकली एंड केमिकली दोनों डिफरेंट होते हैं। ये फिजिकली सेम, सॉरी फिजिकली डिफरेंट और केमिकली सेम होता है, क्योंकि ये सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन आइसोबार फिजिकली और केमिकली दोनों डिफरेंट होते हैं, और वो डिफरेंट एलिमेंट भी होते हैं। जैसे यहां ऑर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एलिमेंट ही डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तीसरा वर्ड आता है स्टूडेंट, आइसोटोल्स। देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम, कुछ ना कुछ उनके अंदर सिमिलैरिटी हो। आइसोटोन ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। तो सेम क्या होगा, सेम उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने की वजह से ऐसे एलिमेंट को हम आइसोटोन्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक एलिमेंट है 1H3। देखिए यहां पर लिखा हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप जिसे ट्राइटेरियम हम कहते हैं, यहां लिख दिया मैंने। और एक और एलिमेंट लेता हूं, उसका नाम है हीलियम। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, यस। एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, यस। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला मैंने नहीं मिटाया। देखिए A-Z होता है, A कितना है यहां पर, 3, Z कितना है 1, 3-1 कितना हो जाएगा, 2। यहां पर न्यूट्रॉन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4-2,
तो कितना आ गया न्यूट्रॉन, 2। यानी दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ऐसे को हम आइसोटोन्स कहते हैं स्टूडेंट। तो आइसोटोन क्या है, ऐसे एलिमेंट के ग्रुप जिनके एटॉमिक नंबर अलग हो, एटॉमिक मास नंबर भी अलग हो, लेकिन उनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं। एक वर्ड और होता है स्टूडेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या वर्ड आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझते हैं, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो 2-8 होता है। सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1 होगा स्टूडेंट, 2-8-1। अगर मैं सोडियम पर एक प्लस लगा दूं, 1 प्लस कर दिया मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इससे समझा रहा हूं। मैग्नीशियम की बात करूं, 12 होता है, जिसको हम 2-8-2 लिख सकते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम पर 2 प्लस लिख दिया, अब बताओ मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर दिए, जितना प्लस लिखूंगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये 10 हो गए, 2-8। अब बताओ नियॉन पर, नियॉन सोडियम पर 1 प्लस, मैग्नीशियम पर 2 प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम है। तो ऐसे स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं स्टूडेंट। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।